अमिताभ बच्चन का बड़ा खुलासा, मौत के बाद संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, ऐश्वर्या को नहीं मिलेगा हिस्सा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आज भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से चर्चा में बने हुए हैं, भले ही उनकी उम्र 81 साल हो। हाल ही में उनकी फिल्म क्लिक 2898 AD रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया। इस फिल्म में अमिताभ की एक्टिंग को खूब सराहा गया। अब सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनकी मौत के बाद उनकी संपत्ति का क्या होगा। अमिताभ बच्चन ने 2011 में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी संपत्ति उनके बेटे अभिषेक और बेटी श्वेता के बीच बराबर बांटी जाएगी। उन्होंने कहा था कि वो दोनों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस फैसले में उनकी पत्नी जया भी शामिल है। अमिताभ ने कहा, हमने तय किया है कि हमारी संपत्ति के दो हिस्से होंगे, एक बेटा अभिषेक, दूसरा बेटी श्वेता के लिए। मेरी नज़र में बेटी भी बेटे के बराबर अधिकार रखती है और वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर इस इंटरव्यू की बात करें तो शहंशाह की मौत के बाद बहू ऐश्वर्या राय को कुछ नहीं मिलेगा। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की अफवाहें भी कुछ समय से चल रही हैं, लेकिन अभिषेक ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।